मैं टू बी ऑनेस्ट, ये सेटअप यहाँ का नहीं है, ये एक इंडोनेशिया का सेटअप है। अच्छा ये भी मैंने किसी एक आर्टिकल में देखा था, तो मैंने इस पे फिर थोड़ा सा वर्क किया और मैंने अपने एक फ्रेंड के थ्रू इसको एल्युमिनियम के बॉडी पे रेडी करवाया। इसका जो बेस है वो आयरन पे है नीचे का, हाँ, उसके ऊपर ये एल्युमिनियम की बॉडी फिक्स है। जैसे तो भाई राइस आप देख सकते हो, एक एक दाना बिल्कुल अलग है। और आप इसको देख सकते हो कि पकौड़ी कितनी सॉफ्ट है, देख ली मैंने तोड़ते। ये दही मट्ठे मिक्स कर, मिक्स करके अच्छा बना देता। तो हेलो प्लांट फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जहाँ एक तरफ आप देखते हो कि लोग हिम्मत हारते जाते हैं, वहीं पे भैया ऐसे से लोग भी मिल जाते हैं जिन्हें देख के आप मोटिवेट होते हो। आज हम आपको लेकर आज के भाई ऐसे सेटअप पे कि स्कूटी पे इन्होंने इतना गजब का सेटअप बनाया हुआ जो अभी तक फिलहाल हमने कानपुर में नहीं देखा। तो भैया जी राम राम। राम राम जी, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। आप तो सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित है। और कितना टाइम हो गया आपके सेटअप को? आज भैया मेरे को लास्ट मंडे से मैं लगा रहा था और आज ट्यूसडे, मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए। वन वीक मतलब एक हफ्ता से ऊपर, एक हफ्ते से ऊपर हो गए। तो क्या सोच के आपने सेटअप स्टार्ट किया था? बस भैया ये तो हमारा एक पैशन है कि हमें लोगों को राजमा चावल, कढ़ी चावल और छोले चावल का एक टेस्ट अपना खिलाना है। अच्छा। और ये हमारा एक नया कंसेप्ट है स्कूटी पे, जो हमने पूरी अपनी शॉप फिट करवाई है। और राजमा, कढ़ी, छोले, चावल, इतना आइटम आपके पास? सिर्फ हमारी यूएसपी राइस है, मेंटेन अपनी यूएसपी मेंटेन रखेंगे बस। रोटी वगैरह हमने नहीं रखनी, रायता, चावल, कढ़ी, छोले, राजमा। तो आपने सेटअप, पहली बात तो इस सेटअप जो देखा मैंने पहले तो अभी तक कहीं नहीं देखा कानपुर में, आपने ये क्या सोच के कैसा सेटअप बनवाया है? ये सेटअप वैसे मैं अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, ये सेटअप यहाँ का, ये एक इंडोनेशिया का सेटअप है। अच्छा। ये भी मैंने किसी एक आर्टिकल में देखा था, तो मैंने इस पे फिर थोड़ा सा वर्क किया और मैंने अपने एक फ्रेंड के थ्रू इसको एल्युमिनियम के बॉडी पे रेडी करवाया। इसका जो बेस है वो आयरन पे है नीचे का, हाँ, उसके ऊपर ये एल्युमिनियम की बॉडी फिक्स है, जैसे डोर वगैरह बनते हैं एल्युमिनियम के, उसी से। और इवन मुझे स्कूटी में पेट्रोल डलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे ब्लॉक्स बना है। अच्छा, इस जगह बनवाया होगा आपने? ये ब्लॉक्स उठाया, पेट्रोल डल गया, और जब सर्विस होनी होगी जैसे 5-6 महीने में एक बार, तो इसको ये हट जाएगा जो की यहाँ से नट बोल्ट पे फिक्स है। अच्छा, क्या बात है, सेटअप तो बहुत प्यारा। और टाइमिंग क्या आपकी आने की? यहाँ हम 10:15 से 10:30 के बीच में पहुंच जाते हैं और शाम को 4-4:15 तक, कभी कभार 3 बजे भी चले जाते हैं, जैसे अगर फटाफट सेल हो गई। हाँ, नहीं तो 4-4:15 तक हम रहते हैं। मेकिंग आप खुद करते हैं फूड की या घर में? नहीं, ये मेकिंग हमारी टोटली मेरी मम्मी के हाथ का फूड है। अच्छा जी, मतलब मम्मी बना के देती है और आप सेल करने आते हो? जी। तो चलिए हम भी आपको दिखाते हैं भैया के भाई आउटलेट पे क्या क्या रखा हुआ है। बॉक्स सारे ओपन कराते हैं और नीट एंड क्लीन है सारे, हमने अभी देखा सेटअप आपको दिखा। भैया चलो अपने बॉक्स ओपन करवाते हैं। ये हमारे बॉक्स हैं, पहला बॉक्स, ये हमारे राइस हैं। तो भाई राइस आप देख सकते हो, एक एक दाना बिल्कुल अलग है। और ये एयर टाइट बॉक्स है, इसमें एटलीस्ट हमारा जो है 7 से 8 घंटे तक फूड गर्म रहता है। सुबह 9 बजे प्रिपेयर होकर इसमें डल जाता है और शाम के 4 बजे तक इसमें बिल्कुल गर्म रहता है। ये हमारी आ गई कड़ी, तड़का वगैरह तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ऊपर से लाल भाई मिर्ची वगैरह देख रहे हो पड़ी हुई है। और मेन चीज जो कड़ी होती है वो पकौड़ी होती है। और आप इसको देख सकते हो कि पकौड़ी कितनी सॉफ्ट है, देख ली मैंने तोड़ते हुए। ये अभी अभी ओपन किए हैं बस मैंने। अभी क्वांटिटी आप थोड़ी कम लाते हो? अभी हम कम लाते हैं, जब आप सेल बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी पूरी आएगी आपके पास। जी, ये पूरा भर के आया। तो छोले की ग्रेवी आप देख रहे हो भाई, कितनी जबरदस्त लग रही है। ये आ गए राजमा, जो मेन चीज है जिस पर हम अपना फोकस भाई, मतलब अपनी एक प्लेट लगवाते हैं और उसमें सारे आइटम डलवाएंगे। और हाफ फुल कितने का है? हाफ है हमारा 35 रुपीज का, फुल है 55 रुपीज। कुछ भी, कुछ भी। तो चलो भाई हाफ लगवाते हैं अपनी एक प्लेट। तो यार अपना राइस और हम तीनों आइटम लेने वाले हैं। ये है थोड़ी सी कड़ी, हाफ की क्वांटिटी आपकी। ओके, तो सबसे पहले अपनी प्लेट पे आ चुकी है कड़ी, और कड़ी में हमें मिली है 2 पकौड़ी भाई साहब। और जी ये आ गए छोले, अपने छोले का साइज आप देखो, बड़े वाले छोले हैं। और अब आ रहा अपना राजमा, अभी इसमें थोड़ी सी चीज बाकी, थोड़ी बाकी रह गई है। तो भाई चटनी भी मिलेगी, हर किसी को चटनी देते हैं आप सर? जी बिल्कुल, इस साइड में आएगी ग्रीन चटनी, हाफ प्लेट में 2 चम्मच हम डालते हैं। अच्छा, मतलब इसकी भी क्वांटिटी फिक्स है। साथ और... में आएगा पिकल, उसके बाद ऊपर से आएगा अनियन,
क्या लोगे ये आ गया भाई, आप देख रहे हो ना कितनी खूबसूरत प्लेट लग रही है। आप इसको खा के आपके साथ इसकी खूबसूरती शेयर करते हैं। तो भैया ने पकौड़ी तो पहले दिखा दी थी, तो हम पहले कढ़ी ट्राई करने वाले हैं भाई। मतलब देख रहे हो आप, पकौड़ी जो है वो बिल्कुल ऐसे रख रहे हो तो टूट जा रही है, और पकौड़ी ऐसी होनी ही चाहिए भाई। वाकई खाओगे ना कढ़ी चावल, मज़ेदार लगेगा आपको। अब हम ट्राई करते हैं इसके बाद हल्की सी चटनी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फूड स्पाइसी नहीं है। जैसे आप कभी लंच में ट्राई करना चाहो कि आप लोग फास्ट फूड ट्राई करते हो तो सोचते हो कुछ ऐसा मिले जो घर का खाना मिले, वो आपको यहाँ मिलेगा। छोले चावल भी खा लिए, अब बारी राजमा चावल की है। चावल का एक दाना बिल्कुल अलग है, और चिपके वाले खाने का लोगों को, कुछ लोगों में मज़ा आती कुछ लोगों को नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा है। कढ़ी की बात करें तो कढ़ी का टेस्ट इतना गजब का है, मतलब कढ़ी की क्या बात करें, पूरी प्लेट की बात कर ले अगर हम तो, राजमा भी आप खाओगे तो बिल्कुल घर वाला टेस्ट मिलेगा, छोले खाओगे वो भी एकदम, क्योंकि आंटी ने भाई घर से बनाकर दिया है, और टेस्ट वाकई आपको मम्मी के हाथों को मिलेगा। और अगर आप बाहर जॉब करते हो या लंच में आप कुछ भी खाने निकलते हो ना, आप बिना किसी सोचे समझे कोई बात और ये प्लेट आप खा सकते हो भाई। मुझे तो बहुत पसंद आई, अगर आपको पसंद आई, आपको तब पसंद आएगी जब आप खाने आओगे। एक बार ट्राई कर लोगे तो आप ऑलरेडी, और भैया अभी नया नया सेटअप लगाया तो एक बार आपको ट्राई करना बनता है, ट्राई करने के बाद आपको ऑलरेडी इसका टेस्ट पता चल जाएगा। और ये भैया का बूंदी का रायता, ये दही का है या मट्ठे का? ये दही मट्ठे मिक्स का, मिक्स करके अच्छा बना देता है। हाँ। ओके, और ये कितने रुपए ग्लास देते हैं? 10 रुपीस। तो देखते लोकेशन, तो लोकेशन दिखाने से पहले आपको नाम बताते हैं। नाम है जो है पंजाबी जंक्शन, और ये आपको मिलेंगे संजयवन कानपुर में। जब आप इधर से आ रहे हो सरयू मंदिर की तरफ से और जा रहे हो छोटे बाबा के लिए, वो बना हुआ है जूही नर्सरी आगे। जूही नर्सरी से जैसे ही आगे पढ़ोगे आपको शॉप लेफ्ट साइड में मिलेगी, और जब आप इधर से आ रहे हो छोटे बाबा की तरफ से और जा रहे होंगे सरयू मंदिर के लिए, तो आगे आते ही जैसे आउटलेट खत्म होगा आप नर्सरी से पहले देखोगे तो आपको भाई ये स्कूटर वाला सेटअप राइट हैंड में मिलेगा, कर सकते हो। तो भाई अपना आज का व्लॉग यहीं से एंड करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आते तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला।